नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी की लहर लौट आई है, क्योंकि उनकी मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कर ली है। दरअसल चयनित शिक्षक लगातार नियुक्तियों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे और आखिरकार सरकार ने उनकी ये बात सुनी और 8 मार्च को आदेश जारी किया गया कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1 अप्रैल से सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद से अब चयनित शिक्षकों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस मौके पर चयनित शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां भी बांटी। सरकार के इस घोषणा के बाद से चयनित शिक्षकों को उम्मीद है कि जल्द ही उनको नियुक्ति मिल जाएगी। छतरपुर जिले के चयनित शिक्षकों ने अपनी खुशी का इजहार एमपी तक से बात करते हुए किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का हम समस्त चयनित अभ्यर्थी आभार प्रकट करते हैं, साथ ही आज तक और एमपी तक की टीम का भी आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने लगातार हमारे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और आज हमें वह आदेश प्राप्त हो गया जिसका हम 4 जुलाई से ही इंतजार कर रहे थे। 4 जुलाई के बाद से हम समस्त अभ्यर्थी बहुत ही परेशान, हताश और निराश थे। हालांकि 15 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका शीघ्र करने जा रहे हैं और नए सत्र में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों को कोई ठोस आश्वासन और आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके चलते लगातार हम अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे। लेकिन जैसे ही बजट पास हुआ वैसे ही प्रक्रिया हमारी शुरू की और 8 मार्च को हमें आदेश प्राप्त हुआ कि 1 अप्रैल से आपका सत्यापन प्रारंभ होगा। 1 अप्रैल से सत्यापन प्रारंभ हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है, हर्ष है हम सभी चयनित अभ्यर्थियों में। लेकिन यदि ज्वाइनिंग में देरी करती है अब भी प्रशासन, तो हम समस्त चयनित अभ्यर्थी अपनी मुहिम, अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहेंगे, लगातार अपनी भर्ती का मुद्दा प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि 2018 में निकाली भर्ती अभी भी अधूरी है। इतना ही नहीं, चयनित शिक्षकों के इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए उन्होंने एमपी तक का भी धन्यवाद किया। शिक्षकों ने कहा कि एमपी तक ने हमारे मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया, जिसकी बदौलत आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारी बात को मानते हुए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। हम एमपी तक और आज तक का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने लगातार हमारे मुद्दे को उठाया, प्रमुखता से उठाया और जिसके चलते आज सत्यापन का आदेश हम लोगों को प्राप्त हो गया है। हम समस्त अभ्यर्थी एमपी तक और आज तक टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफ़ी परेशान थे। पिछले 2 साल से वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। इसको लेकर मध्य प्रदेश में वे लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे सरकार के खिलाफ, साथ ही कई जगह पे ज्ञापन भी सौंपे थे और 8 मार्च जो कि महिला दिवस था उस मौके पर भी उन्होंने कई जगह पर प्रदर्शन भी किए थे और सरकार से वो एक ही मांग कर रहे थे कि उनकी नियुक्ति जल्दी से कर दी जाए। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2020 में प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना के चलते ये प्रक्रिया बंद कर दी गई थी और उसके बाद अब दोबारा सरकार की तरफ से आदेश आया है कि 1 अप्रैल से उनके सत्यापन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, जिसके बाद से चयनित शिक्षक काफ़ी खुश हैं। आपको बता दें कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो मांग थी उसको एमपी तक ने लगातार मुहिम चलाकर चयनित शिक्षकों की लंबित नियुक्तियों की खबर चलाई, जिसके बाद मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग हरकत में आया और बात प्रदेश के मुखिया यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुंच गई और उन्होंने तत्काल प्रभाव से 8 मार्च को यह आदेश जारी किया कि सत्यापन का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। साथ ही बजट में भी 24,200 शिक्षक भर्ती की बात जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप एमपी तक के फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पेज पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है MP_official, इस पर हमें फॉलो कीजिए और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।